मैं यहाँ पे आई हूँ बिहार को आगे लेके जाने के लिए, और बिहार में जो हालत है वो बहुत ही खराब है, तो अब आगे बढ़ने का वक्त है। आपने अपना जो रोड मैप या प्लान रखा है, आपको लगता है कि आपको उसमें जनता का समर्थन इस बार मिल रहा है, या फिर आपके लिए ये ट्रायल है, आप आगे भी लड़ेंगे? आगे भी लड़ेंगे, जरूर आगे भी लड़ेंगे, लेकिन हाँ, मुझे जनता का समर्थन मिल रहा है, इस चुनाव में जीतेंगे। कितना सीट आप लाएंगे इस चुनाव में, जितने भी आपने कैंडिडेट उतारे, क्या एक्सपेक्टेशन है, कितने कुछ तो होंगे? ये जो भविष्यवाणी करने वाली चीज है वो मुझे पसंद नहीं है, वो तो जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन पता चल जाएगा, लेकिन टारगेट ये है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पे हम जीते। आपने भविष्यवाणी तो कर दी थी मुख्यमंत्री का, आपने भविष्यवाणी ही तो की थी ना अपने आपके अपने आप को लेकर कि आप मुख्यमंत्री? नहीं, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं मुख्यमंत्री। आपने डिक्लेयर तो किया था ना अपने आपको एज अ मुख्यमंत्री कैंडिडेट। थोड़ा आराम से भी बात कर सकते हैं, पढ़े लिखे लोगों के जैसे भी बात कर सकते हैं। पढ़े लिखे जैसे बात, वही तो मैं बोल रहा हूँ आपसे कि आपने अपने आप को मुख्यमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर किया। कैंडिडेट डिक्लेयर करना एक अलग भविष्यवाणी हुआ ना? नहीं, वो भविष्यवाणी नहीं होती है। जब हम चुनाव लड़ते हैं, जब हम उम्मीदवार होते हैं, तो भविष्यवाणी नहीं होती है, हम उम्मीदवार होते हैं। भविष्यवाणी अगर आपको सुननी है तो मैं ये कह रही हूँ कि हम ही जीतेंगे और हम सरकार बनाएंगे और कोई गठबंधन का लेकिन आप बिल्कुल नए तरीके से सवाल नहीं, बिल्कुल नए तरीके से आपने कदम रखा है, बिल्कुल एक नए कह सकते हैं नए स्टाइल में रखा है, इसको करने के पीछे का आपका मकसद क्या है? क्यों बिहार में जो व्यवस्था है वो बहुत ही खराब है, राजनीति का स्तर जो है वो बहुत ही गिर गया है। यहाँ पे राजनीति और चुनाव सिर्फ दो चीजों के दम पे होती है, एक तो बहुत ज्यादा पैसा जो ये 5 साल में वहां पे बैठ के कमाते हैं, वो पैसा सबको पता है बांटा जाता है और जो भी होता है, वी ऑल अवेयर, सबको पता है, और दूसरा लोगों को लड़ा के,